अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल SM होम एवरी चैनल। तो आज की इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने देख लिया है कि घास में ना वो सूंडी वगैरह कीड़ा वगैरह आ चुका है। अगर आप लोगों ने एक दो जानवर रखा हुआ है घर के अंदर, बकरी या छतरे, तो आप लोग काइंडली ये ज़रूर ख्याल कर लीजिएगा कि ये वो ना खा पाए। घास को आप लोगों ने साफ़ करके डालना है, उसके अलावा आप लोगों ने इसे घर में ले जाना है, 5-10 मिनट के लिए धूप में रख देना है। कुछ भी नहीं होगा, ये जितनी सूंडी वगैरह सारी बाहर निकल जाएगी। अगर वो ये दाना वगैरह खा लेते हैं ना तो उनका पेट ख़राब हो जाएगा। बाद में आप लोग भाईजान सरकारी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास ले जाते फिरेंगे। इसलिए आप लोगों ने एहतियात करनी है कि आप लोगों के जानवर ना ये कीड़े वगैरह ना खा पाएँ, इनसे उनके पेट ख़राब होंगे। पेट ख़राब हो गए तो आपका मूड ख़राब होगा, वो खाएँगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं। इसलिए ना आप लोगों ने एहतियात करनी है। जब भी आप लोगों को ये ऐसी चीज़ नज़र आए तो आप लोगों ने सिंपली अपना तरीका कोई भी अपनाएं, लेकिन कीड़ों से महफूज रखेगा अपने पुट्ठों को। अगर आप लोगों के पास कोका मशीन नहीं है तो फिर आप लोगों ने ये कैसे मतलब कि इन्हें काटना है? आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, ये चीज़ आप लोगों के घर में तो लाजमी होगी। आप लोगों ने क्या करना है, इसे उठाना है, ये लिया, ये आप लोगों ने लिया, थोड़ा सा इसे ऐसे किया, फिर आप लोगों ने ये अपना पाँव लिया, ये देखिए ये किया, बस 5 मिनट के अंदर आप लोगों को ये चारा काटा जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई बड़ी चीज़ है मतलब कि मकई वगैरह है तो इससे आप लोगों ने ना इससे खा लिया। तो अभी हम लोग ये अपना चारा ये देखें आप, आसान सा तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 5-10 मिनट लगेंगे आप लोगों के, अगर 5-10 मिनट लगेंगे अगर आप लोगों के 3 या 4 छतरे हैं। ये देखें इससे होगा क्या, वो ना इससे नीचे गिराएंगे, इसे पकड़ेंगे और खा लेंगे। इतना सा काम है आप लोगों ने, बस 5-10 मिनट लगाने हैं इसे काटने के लिए, और बाद में आप लोगों ने उठाना है और ले जाना है अपने बच्चों की तरफ। ये देख लें जी, हमारा शेरू कितने मज़े से खा रहा है। और ये रहा जी हमारा ढोडा पतीसा, ये देखें मुझे भी बता रहा है कि मैं खा रहा हूँ जी। और जो हमारा चुन्नू मुन्नू है वो तो भाई जान नीचे सर को लगाए खाई जा रहा है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें नज़र बस से बचाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।